हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल का अचार फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं कि कटहल का अचार कैसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ कटहल का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटहल ले लिया है फ्रेंड्स। और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है और इसके अचार भी बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले कट कर लेते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कटहल को मैंने ऐसे ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये जो है अचार को ख़राब कर देगा। और इसको बड़े बड़े पीसेस मैंने कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, जब भी कटहल को काटे तो हाथ में तेल लगा करके ही काटे, क्योंकि जो इसमें बहुत सारा दूध निकलता है ना, तो हाथ में लाशा जैसा चिपकने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसको हम हल्का सा इसको बॉयल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम को ऑन करके मैंने भगोने में पानी को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, पानी यहाँ गर्म हो गया है, आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें हम जो कटहर है ना, जिसको काटे हैं, उसको इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको 5 मिनट हम कुक करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा हमको कुक नहीं करना है, इसको हम 5 मिनट कम से कम कुक करेंगे। तो सारे जो हमारे कटहल हैं इसको अच्छे से हम धो लिए थे और उसको पानी में भिगोए थे फ्रेंड्स, क्योंकि पानी में नहीं रखेंगे तो एक काला पड़ जाएगा। और इसको हम ढक करके इसको हम 5 मिनट कम से कम कुक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, 7 मिनट हो गया है। 7 मिनट में देखी हूँ, 7 मिनट आप देखती हूँ कि एक कैसे अच्छे से हो गया है कि नहीं फ्रेंड्स। तो इसको हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये हुआ है कि नहीं। तो अभी तो बहुत जल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये हो गया है। बहुत ज़्यादा हमको सॉफ्ट नहीं करना है सब्जी जैसा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इतना ही हमको देखिए आराम से टूट जा रहा है, थोड़ा जल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ये टूट जा रहा है। तो मान लीजिए ये हो गया और यह अचार जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो इसको हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और जो बड़ा वाला कटहर होता है, हो जाता है ना बड़ा कटहर, तो उसका अचार उतना टेस्टी नहीं लगता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो सारे इसके गैस के फ्लेम को फ्रेंड्स बंद कर देते हैं और सारे कटहल को हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और इसको पानी में उबालने से फ़ायदा, 2 फायदे होते हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये जो है ना सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा, और दूसरा चीज़ है कि जो कसापन है होता है ना कटहल का, में दूध 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 का कसापन होता है, तो सब निकल जाता है। तो इसका जो अचार होता है ना बहुत अच्छा बनता है। तो इसको सारे कटहल को हम निकाल लिए फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सारे कटहल को हमने निकाल दिया है। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने सारे कटहर को निकाल दिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और एक इस तरह मैं तोड़कर आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि कैसा हमको चाहिए। तो जो है अचार बहुत अच्छा बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हाथ से ऐसे टूट रहा है, आप देख सकते हो ना हाथ से टूट जाता है। तो इसी तरह का हमको सॉफ्ट कटहल चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम धूप में डाल देते हैं। धूप में इसको हम कम, आजकल तो धूप बहुत तेज हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसको 3 घंटा कम से कम लगेगा, इसको जो इसका जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ये सूख जाएगा तो हम इसका अचार बनाएंगे। तो चलते हैं इसको धूप में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैं कटहर को धूप में 3-4 घंटे के लिए रखी थी और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से सूख गया है और इसका अचार अब ख़राब नहीं हुआ डालने पर। तो हमारा कटहर जो है अच्छे से सूख गया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या क्या मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सौंफ है जो मेरा 2 चम्मच के करीब है, और 2 ही चम्मच मैं खाने वाले चम्मच से धनिया ली हूँ। ये दोनों की क्वांटिटी बराबर है फ्रेंड्स। और 1 चम्मच मैंने ली हूँ, यहाँ मैं राई ली हूँ काली वाली, और 1 चम्मच पीली वाली राई ली हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ 15 जो है दाना ये मरीच काली मिर्च है फ्रेंड्स। और यहाँ 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं मेथी दाना ली हूँ। और यहाँ मैं फ्रेंड्स यहाँ ली हूँ, आप देख सकते हो जीरा है 1 चम्मच के करीब खाने वाला चम्मच से,
और यहाँ मैं 7-8 क्या है 10-12 जो है सूखी मिर्ची ली हूँ, और यहाँ मैं हींग ली हूँ फ्रेंड्स, इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ली हूँ अजवाइन 1 चम्मच के करीब है, ये साबुत मैं डालूँगी, और यहाँ मंगरेला है मैं इसको भी साबुत ही डालूँगी 1 चम्मच के करीब है, और 2 चम्मच भर के मैं ये अमचूर पाउडर ली हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पैन को रख दिया है और ये गर्म हो गया है, तो जो मैं डालूँगी ये सब मसाले, इसको हमको हल्का सा रोस्ट करना है फ्रेंड्स, ताकि इसका जो है नमी है ख़त्म हो जाए, ज़्यादा हमको नहीं भुनना है। और जो अजवाइन मंग रही हो मैं साबुत डालूँगी, उसको नहीं भुनूंगी फ्रेंड्स, तो इसको हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम हल्का सा इसको हम, ताकि इसका जो कच्चापन भी निकल जाए और इसका फ्लेवर जो है बरकरार रहे, इसीलिए इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस थोड़ा सा भुनेंगे जिससे इसका नमी ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स इसको हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स मसाले जो हैं ड्राई हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, और इसको हम एक मतलब जिसे इसको बहुत ज़्यादा हमको पाउडर, फाइन पाउडर नहीं बनाना है फ्रेंड्स, इसको दरदरा ही हमको पीसना है, क्योंकि जो मसाले होते हैं दरदरा रहते हैं तो जो अचार होता है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको हम निकाल कर इसको हम दरदरा का इसका पाउडर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे मसाले जो हैं ग्राइंड हो गए हैं फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने मोटा ही इसको ग्राइंड किया है, क्योंकि मोटे जो मसाले होते हैं ना इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जो अचार होते हैं ना बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले से ही मैंने थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया है पहले से ही, और इसमें आप देख सकते हो मैंने हींग को भी ऐड कर दिया है, और एक तेल जो है मेरा सरसों का तेल है फ्रेंड्स, और अभी हीट ही है, तो जो कच्चे मसाले हैं ना इसमें हम ऐड कर देते हैं, ताकि इसका भी थोड़ा कच्चापन जो है नष्ट हो जाएगा और ये अच्छा हो जाएगा मसाले। तो इसमें ही फ्रेंड्स सारे मसाले हम पहले ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मसाला है हमारा जो पीसी हूँ उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 चम्मच भर के मैं कश्मीरी लाल मिर्च लेती हूँ फ्रेंड्स, इससे क्या है ना कि ये तीखी नहीं होती है, और इससे जो है अचार का जो कलर है बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा तेल मैं बाद में भी डालूँगी, तो इतना ही तेल अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मिलाने के लिए। और जब भी आप लोग तेल डालिएगा फ्रेंड्स तो गर्म करके ही डालिएगा, तो जो अचार है ना ख़राब होने का चांस कम रहता है, और अचार भी बहुत अच्छा बनता है, और अचार हमेशा सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो अमचूर पाउडर है ना इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, और इसको भी मिला लेते हैं। और फ्रेंड्स सारे मसालों को हम इसमें जो कटहल है ना उसमें ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और ये जो कटहल के अचार होते हैं ना फ्रेंड्स जो छोटे छोटे होते हैं उनका जो बनता है जब ना उबाल करके धूप में सुखा करके, तो बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, जो बड़े कटहल हो जाते हैं ना उसका अचार उतना टेस्टी नहीं लगता है। और इसको हम ना फ्रेंड्स अगर इसको 5-6 दिन धूप में रख करके इसमें विनेगर डाल करके रखेंगे तो 1 साल तक ये चल जाएगा अचार, और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी लगता है कटहल का अचार, जो बहुत टेस्टी लगता है। तो हम धीरे धीरे सारे मसालों को फ्रेंड्स मिक्स कर देते हैं, और अभी इसमें बाकी है फ्रेंड्स हल्दी, और मैं इसमें अभी डालूंगी नमक स्वाद अनुसार से तो वैसे ही नमक पड़ता है अचार में, तो इसमें वो भी मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम नमक डाल देते हैं, तो इसमें हम फ्रेंड्स 1.5 चम्मच के करीब नमक डालेंगे, अचार मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और फ्रेंड्स 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डाल रही हूँ,
और फ्रेंड्स जो बचे हुए मसाले हैं ना उसको भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना टेस्टी अचार लग रहा है। और फ्रेंड्स इसमें हम ना एक साल अगर ज़्यादा हम बनाएंगे तो एक साल रखेंगे तो इसमें और ऑयल डाल देंगे ना तेल जो सरसों का होता है तो एक साल तक अचार चलता है, दो साल तक चल जाता है फ्रेंड्स धूप में पाँच छः दिन सुखवा देने पर ना, ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा अचार होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है फ्रेंड्स। तो मैंने सारे मसालों को तो मिक्स कर दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हम सिरका डाल रहे हैं, सफ़ेद वाला जो विनेगर होता है, आप लोग के पास गन्ना वाला कोई भी सिरका हो तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। जो अचार है फ्रेंड्स ख़राब नहीं होगा, बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा आपका अचार और ख़राब नहीं होगा, और जो सिरका का स्वाद होता है ना वो भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं सिरका को भी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा कटहल का जो अचार है वो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही डिलीशियस बना हुआ है फ्रेंड्स जो कटहल का अचार है। तो मैं थोड़ा सा बनाकर दिखाई हूँ फ्रेंड्स, और मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और तो मेरा अचार तैयार हो गया है फ्रेंड्स, और इसको एक साल रखने के लिए इसमें तेल डालना पड़ेगा तो ऑयल मैं बाद में ऐड करूँगी। और ऑयल जब भी डालिए फ्रेंड्स तो गर्म करके डालिएगा उसको, ठंडा ऑयल मत डालिएगा क्योंकि उससे बिगड़ने का जो है अचार बिगड़ने का चांस रहता है। तो हमारा अचार जो है तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो कटहल का अचार है तैयार हो गया है, आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बना हुआ। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट। तो फ्रेंड्स अगले रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।